सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। खबर उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है। दरअसल जिस तरह से 25,000 का इनामी दिन दहाड़े इनकाउंटर किया गया है, इस इनकाउंटर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे पूरी तरह से पुलिस काबिंग कर रही है। दरअसल 3 दिन पहले एक चाकू गोद का तंदूर कांड में 130 के खातिर हत्या कर दी थी। ये तीनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे थे, जिसमें सलमान नाम के जो 25,000 का इनामी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार, इनकाउंटर में इसकी गोली लगी है, जबकि एक सिपाही की भी। फिलहाल इसका एक साथी जो है फरार बताया जा रहा है और पुलिस लगातार काबिंग कर रही है। संभल में आज सदर कोतवाली पुलिस इलाके के चंदोसी बाईपास पर वाहनों को चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सामने से आ रहे बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश करने लगे। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भी बाइक सवारों की घेराबंदी कर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग में गोली लगने से एक बाइक सवार बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो पता चला कि घायल बदमाश 2 दिन पहले तंदूर वापस करने के विवाद में रेहान नाम के युवक की हत्या का फरार आरोपी सलमान है। पुलिस ने घायल सलमान और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। गौरतलब है कि मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश सलमान ने 2 दिन पहले जुम्मे के रोज तंदूर वापस करने के मामूली से विवाद में रेहान नाम के युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। रेहान की हत्या के बाद आरोपी सलमान फरार हो गया था। पुलिस ने सलमान की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया था। दरअसल मृतक रेहान इलाके में तंदूर लगाकर रोटी बनाने का काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले रेहान ने तंदूर का काम बंद कर दिया था। जुम्मे के रोज़ तंदूर दोबारा शुरू करने के मकसद से जब रेहान अपनी दुकान पर पहुँचा तो वहाँ उसको तंदूर गायब मिला। जानकारी करने पर पता चला कि इलाके का सलमान तंदूर ले गया है। रेहान ने सलमान को बुलाकर बिना पूछे तंदूर ले जाने पर नाराजगी जताते हुए तंदूर वापस मांगा तो सलमान ने गाली गलौच करते हुए चाकू मारकर रेहान की हत्या कर दी थी। संभल कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला चमनसराय में आज शाम को एक युवक जिसका नाम मोहम्मद रेहान है, उम्र 23 वर्ष, एक तंदूर की दुकान पर काम करता था। पास में रहने वाले सलमान व उसके 2 अन्य भाइयों के द्वारा चाकू मारकर इसको घायल कर दिया गया। उपचार के दौरान ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। झगड़े का कारण तंदूर को होकर लेने वाली लेन देन बताया जा रहा है। विस्तृत जानकारी की जा रही है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रेहान की हत्या के बाद सलमान फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने आज मुठभेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। ग्लोबल टुडे के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।